नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। लेकिन आज दिन है सेंसेक्स का, क्योंकि 32,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, कभी ये लेवल्स दिखे नहीं और आज दिख गए। 32,000 के लेवल को पार किया इंट्राडे बेसिस पे, अब ऊपरी सिरों से थोड़ा सा हल्का सा नीचे आए हैं। अगर निफ्टी देखें तो अब है 9872 के लेवल पे, आज के दिन का हाई है 9886 का और सेंसेक्स अभी भी आधे फीसदी की गेंद के साथ 32,000 के ऊपर टिका हुआ है। रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स है, स्ट्रांग मूव आज के सत्र में मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो डिस्काउंट में है। जुलाई निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट पे काम काज कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे 9865 ये है निफ्टी फ्यूचर्स जुलाई वायदा और 9873 स्पॉट का लेवल है। कन्विक्शन कितनी है इस मूव पे, क्या अगला बड़ा मूव मार्केट पे इतनी आसानी से मिल जाएगा या फिर 9900 के स्तर पर जाके फिर से बाजार फंस जाएगा, अटक जाएगा, इसी शो में ये जानने की कोशिश करूंगा मैं। क्योंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप शुरू हो गया है वो 10,000 की कॉल पे बिल्डअप होना शुरू हो गया है और ये लेवल इतना आसानी से बाजार हासिल करेगा नहीं, अभी तक के सेटअप के हिसाब से यही लगता है। लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस का जो एक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, जो मार्केट को रिकॉर्ड स्तरों पर ले आया है। आज भी तेजी बन रही है डिस्काउंट में होने के बावजूद। यहाँ पर अगर आप देखें तो 9800 की जो पुट है उसमें हैवी राइटिंग यानी कि बिकवाली देखने को मिली। NBFC शेयर्स स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में देते हुए नजर आए। वायदा कारोबार पे FMCG, NBFC और ऑटो शेयर्स पे बेट ज्यादा स्ट्रांगली लगती हुई नजर आ रही है। कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें सेंटेक्स, HPCL और कावेरी सीड टॉप गेनर्स FNO मार्केट पे आज के सत्र में साबित हो रहे हैं। मेरे साथ इसमें मनीष शर्मा जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, 32,000 का आंकड़ा सेंसेक्स ने हासिल किया है। क्या आपको लगता है यहां से मार्केट्स आसानी से 9900 का लेवल निफ्टी या फिर 9950 तक के लेवल्स तक चढ़ सकते हैं या फिर ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा बिकवाली हो सकती है? मैं फिर से दोहरा दूं, निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट पे है। जी, निफ्टी में अगर आप देखें लगातार हमें बाइंग देखने को मिल रही है और लगातार एग्रेसिव कॉन्ट्रैक्टिंग है ऑप्शन में। मुझे लगता है यहाँ से 9950 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट टिप एक्सपायरी देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 9800 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 9950 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट। चलिए, आप मानते हैं कि बैंड डिप्स की मार्केट बनी हुई है, किसी भी डिप में एक्यूमुलेशन करने का मौका होगा, तेजी बन सकती है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक स्टॉक बता दीजिए सर जो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे आप सजेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट्स को। स्टॉक दोहराना होगा, स्टॉक क्लियरली IGL इन द बेस्ट कैश। इसमें मुझे लगता है यहाँ से 1180-1200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो 1100 का स्टॉप लॉस होगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाएं और 1200 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे टिल द एक्सपायरी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। 1180 फिर 1200 ये टारगेट्स लेके चल रहे हैं आप IGL पे, आपको लगता है तेजी बन सकती है, सेटअप स्ट्रांग है, इस पे आप फोकस रखें, पहला स्टॉक हो गया। मेरे साथ किरण जाधव साहब मौजूद हैं। किरण जी नमस्कार। सर, ये मूव बहुत स्ट्रांग हो गया मार्केट पे लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट पे, इसका मतलब क्या निकालें? क्या मार्केट्स पे अब नेक्स्ट लेग बनेगी इतनी आसानी से? नहीं, बननी तो चाहिए। हालांकि हम पिछले 1-1.5 घंटे से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, पर मेरा मानना है कि निचले स्तरों से वापस एक बार डिमांड देखने को मिल जाएगा। 8940 का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए और 9950 के टारगेट आपको कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, राइट, 9950 के लिए बेट लगा रहे हैं, वो भी कल तक। तो एक स्टॉक जो आपको लगता है कि तेजी से चढ़ेगा यहाँ पर FNO में? देखिए, येस बैंक का चार्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है और जिस तरीके के वॉल्यूम्स के साथ ये चल रहा है, आधा दिन हो गया है और डेली एवरेज वॉल्यूम्स क्रॉस कर दिए है और उसने टेक्निकल जो स्विंग टॉप था, पिछला स्विंग टॉप था करीबन 1526 का, इसने डिसाइसिवली वेरी हाई वॉल्यूम से निकाल दिया है। तो मेरा मानना है कि इधर डिमांड, फ्रेश डिमांड देखने को मिल रहा है और अगर ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखते हैं तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, 6% राइज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को, 6.5%। तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी उछाल देखने को मिलेगी, 1640 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में ना, इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 1532 के। चलिए, और वैसे भी आज निजी क्षेत्र के जो बैंक्स हैं वहां पर ज्यादा पार्टिसिपेशन है, मिसाल के तौर पर येस बैंक थोड़ी देर पहले मूव आया है, एक्सिस बैंक पे ICICI सुबह से अपनी स्ट्रेंथ को पकड़े हुए है। येस बैंक आपकी पसंद है, 1640 का टारगेट, 1532 का एक स्टॉप लॉस। मेरे साथ अब एक के प्रभाकर साहब इस समय लाइन पे मौजूद हैं, उनसे पहले विकास सोलंकी से हमारा कॉन्टैक्ट हो गया है। विकास जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मार्केट्स पे आपको लगता है कि अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 9950, क्या क्लाइंट्स को एडवाइस किया आपने इन लेवल्स पे?
जी रजत जी, जैसे मार्केट में लास्ट दो दिन में जिस हिसाब से रैली करा, मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा भी करेक्शन होगा तो मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे, मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से अगर 9850 के आसपास भी आ रही तो वहाँ पे एक बाइंग करके जाना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है 9940 के अराउंड एक से दो दिन में ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ओके राइट, आप भी बैट लगा रहे हैं 9940 9950 के टारगेट्स के लिए, तो फिर एक स्टॉक भी बताइए सर। KPIT एक मुझे काउंटर रखता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक मिड कैप स्टॉक एक अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है, एक रिट्रेसमेंट कम्प्लीट होके एक नए रेंज में निकल आ रहा है। तो मुझे लगता है टेक्निकली अपर साइड में 148-150 के आसपास के टारगेट भी इसमें आने के चांसेस लगते हैं। नीचे में 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और एक से दो दिन के लिए मेरा टारगेट 144 के आसपास का रहेगा और वीकली बेस अगर इसको होल्ड करना है तो 152 के टारगेट। चलिए सर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो KPIT आपकी पसंद है, 144 का टारगेट है, 132 का स्टॉप लॉस। एके प्रभाकर साहब से कांटेक्ट हो गया आप। प्रभाकर साहब शुक्रिया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आज 32,000 का लेवल सेंसेक्स ने हासिल कर लिया है। निफ्टी 10,000 के लेवल तक पहुंचेगा क्या सीरीज में? गुड मॉर्निंग मिस्टर रजत, आई थिंक नो इन दिस सेटलमेंट इटसेल्फ वी माइट सी 10,000 No, and we are very bullish, and by Diwali we should be around 10,800. Now we are in a bull market. Today also we have gapped up. So for a Nifty trade, I think 9820 will be the stop loss. Target will be 9990. क्यों आपने ये 10 points के छोड़ दिए 10,000 में? Yeah, no. See, 10,000 will slightly take some time. No, there sentimentally it will stop. So no, that. 10 points, I've taken that cushion. अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन ये 9900 के लेवल पे भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल डेटा डेवलप हो रहा है सर। ओपन इंटरेस्ट तो आज बढ़ गया 9900 की स्ट्राइक पे भी, 9900 की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट्स इतना इजीली निकाल देंगे क्या 9900 के लेवल्स को? Yeah, I think, you know, 9900 will easily break, you know, market has been positive for the week and in the week already we are up 2%. So tomorrow, I think more short covering towards the last 2 hours is possible, where our target can be achieved. चलिए सर, बहुत इनफैक्ट एक स्टॉक और बता दीजिए मार्केट्स पे जो आप मूव प्रेडिक्ट कर रहे हैं 10,000 के पास ज्यादा देख रहे हैं मार्केट्स को, तो एक स्टॉक सिर्फ 2 से 3 दिन के पर्सपेक्टिव से कोई स्टॉक है जो रडार पर है? Yeah, no. See, I like BHEL. No, buy BHEL with a stop loss of 139. Target can be as high as 152 for the settlement. But if you want it for next 2 days, now then I need to slightly reduce the target there. ओके राइट, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। BHEL पे बोलिश है, 152 का टारगेट, 139 का स्टॉप लॉस। फटाफट से स्टॉक्स देख लेते हैं कि जो लेवल्स हैं निफ्टी पे वो तो पॉजिटिव साइड पे ही है। 9940 9950 के 9990 तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। BHEL आपने देख लिया, प्रभाकर साहब की पिक है। KPIT टेक, विकास सोलंकी के रडार पर है, 144 का टारगेट है। येस बैंक एक और स्टॉक जहां पर तेजी भी और बढ़ सकती है, इसको अपने रडार पर रखें। यहां पर 1640 का टारगेट है किरण जादव साहब का, और IGL मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने सजेस्ट किया 1180-1200 के टारगेट के लिए। आशीष अंदानी साहब मौजूद हैं आज के मेहमान। आशीष जी नमस्कार, मुबारक हो सर, 32,000 का लेवल तो आ गया, निफ्टी पे 10,000 का लेवल आएगा क्या? डेफिनेटली मुझे लगता है रजत जी, निफ्टी पे 10,000 का लेवल आएगा। GST से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हुई थी, मार्केट ने उसको क्रॉस कर लिया है। एक चीज और हमें देखने की बात है, 10,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले मार्केट उसको अचीव करने के लिए। तो मुझे लगता है कि 32,000 चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था मार्केट में, अभी भी इसका काफी इंपॉर्टेंस है, तो 10,000 डेफिनेटली टच होना चाहिए जिस तरीके से अभी इंडिकेशंस आ रहे हैं। चलिए ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ 10,000 की लेवल की, एक बार 10,000 की कॉल जरूर देख लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से देख रहा था ये कॉल्स में एक्टिविटी तेज हो रही थी और अब तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। अगर आप डेटा वाइज देखेंगे तो 10,000 की स्ट्राइक पे है, कॉल पे ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांगली खड़ा है, अटेम्प्ट तो होना चाहिए एटलीस्ट ये पर्टिकुलर लेवल। अभी स्क्रीन पे लेवल्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो 10,000 का जो कॉल है वहां पर काफी स्ट्रांगली बिल्डअप देखने को मिल रहा है। आशीष जी, यहाँ पर निफ्टी पे आप क्या व्यू रखते हैं, नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट जो है निफ्टी पे आप क्या लेकर चल रहे हैं, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड जो आपने सजेस्ट किया हो क्लाइंट्स को? निफ्टी में मुझे लगता है कि जो एक गैप बना है शायद वो गैप कवर हो, फिल हो, तो 9820 के आसपास में बाय करने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं देख भी रहा हूँ मार्केट में कई सारे स्टॉक्स में जो गैप अप ओपनिंग हुए थे धीरे धीरे करेक्शन आ रहा है, तो ये करेक्शन फेज हेल्दी है। मुझे लगता है 9820 के आसपास अगर आपको मिलता है वहां पे बाय करें, 9775 का एक स्टॉप रख के चलें, 9905 9915 तक के टारगेट
मुझे लगता है मार्केट में दिख सकते हैं। चलिए 9915 ये आप टारगेट लेके चल रहे हैं मार्केट्स पे, 9905 पहला, 9915 दूसरा और 9775 थोड़ा स्टॉप लॉस डीप हो गया आज के सेटअप के हिसाब से, लेकिन फिर भी सर अगर मूव अप कुछ हो रहे हैं स्टॉक्स पे फटाफट से उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज के सत्र में जो तेज हो रहा है वो है सिंटेक्स, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उसका असर देखने को मिल रहा है। मॉर्गन स्टेनली फ्रांस ने हिस्सा खरीदा है आज इनफैक्ट चला, लेकिन कल के सत्र में भी एक्टिविटी काफी स्ट्रांग थी और बहुत सारे निवेशकों के भी और ट्रेडर्स के सवाल हमने ही लिए हैं जो हमारे वायदा कारोबार से जुड़े जो हम एफएनओ शोज करते हैं। तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का मूव अब यहां पर खत्म होगा या फिर तेज हो सकता है स्टॉक, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के रडार पर है अब तो? जी ये स्टार्ट हुआ है मूव अब, मैं आपको इस तरीके से अगर इसको हम देखें, क्योंकि सिंटेक्स में जब से डीमर्जर हुआ है मेरे ख्याल से वैल्यू अनलॉकिंग बहुत बड़े लेवल पे होगी और वो होनी स्टार्ट हो गई। कल भी काफी तेजी आई थी, आज गैप के साथ ओपनिंग हुई, हो सकता है हमें थोड़ा सा गैप कवरिंग देखने के लिए मिले, 31 या 30 रुपए के आसपास का लेवल मिले, बट वो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी देखता है तो कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में शायद हम 45-50 रुपए भी देख लें 6 महीने से 1 साल के दौरान। तो चूंकि बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और डी मर्जर के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग आई थी इसलिए हमने थोड़ी सी इसमें कमजोरी देखी थी, बट ऑल इन ऑल मैं काफी बुलिश हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक पे फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। ओके राइट, जो दूसरा स्टॉक है वो है आईटीसी, इंडेक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे तेज चढ़ने वाला स्टॉक साबित हो रहा है आज के सत्र में, और एफएमसीजी पैक चढ़ गया जिसमें आईटीसी प्रोमिनेंटली ये चढ़ा, इसके अलावा मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया। रिटर्न्स मार्जिनल देखने को मिल रहे हैं लेकिन पॉजिटिव साइड पर ट्रेड हुआ है। आईटीसी को ट्रैक कर रहे हैं क्या आशीष जी, ये मूव अभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है? डेफिनेटली, ये हमारी एक कॉल भी है आज शो के लिए, इसमें हमारा बाय भी है 334 के स्टॉप लॉस के साथ, 345 के टारगेट के साथ। आज का जो आप मूव देख रहे हैं ये मूव बेसिकली एक जीएसटी के बाद का जो एक अपमूव आया था, एक गैप हुआ था, वो गैप फिल किया मार्केट ने स्टॉक ने और उसके बाद फिर से एक फ्रेश मूव लेना स्टार्ट किया है। मुझे लगता है ये बहुत डिसाइसिव मूव है, हम कुछ 345-350 के भी अगर आंकड़ा देख रहे हैं मेरे ख्याल से तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। तो मुझे लगता है काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम बिल्टअप हुआ, जिस तरीके से स्लो एंड ग्रेजुअल मोमेंटम बिल्टअप हुआ है उससे रिस्क कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है कि इसमें एक सडन ये एक वन आउट ऑफ द ब्लू मून काइंड ऑफ मूव है, एक सस्टेन मूव है मुझे लगता है कि स्टॉक में। चलिए अगला स्टॉक है कावेरी सीड, स्टॉक पे निश्चित खरीदारी आज देखने को मिल रही है, मूव पॉजिटिव हो गया जो 3% ऊपर ले आया कावेरी सीड को, एक्शन स्ट्रॉन्ग है, तेजी अभी बढ़ेगी या फिर यहीं पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए जिन्होंने आज पोजिशन बनाई? देखिए जो कल आंकड़े आए हैं और जिस तरीके का मानसून देश में स्टार्ट हो चुका है, मुझे लगता है कि स्टॉक में अब मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई है। अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है तो मैं एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगा 643 के आसपास, तो उसको लगा के आप होल्ड करके रखें। अगर किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है तो एक थोड़ा सा रिस्की बैट है बट डेफिनेटली यहाँ से फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे अगले 1 से 1.5 हफ्ते में इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप 675 का लेवल देखेंगे। L&T फाइनेंस के बारे में बताएं, अब तक के उच्चतम स्तर पे है, NBFC शेयर्स में भी खरीदारी है लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ L&T फाइनेंस कैसा लग रहा है अभी FNO में? डेफिनेटली आज काफी NBFC क्षेत्र के स्टॉक में खरीदारी है, कल मूवमेंट माइक्रो फाइनेंस में भी आया था। तो हम जिस तरीके से L&T फाइनेंस का स्टॉक देखें तो इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 148-147 इसको बहुत समय से रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पा रहा था, दो बार इसने अटेम्प्ट भी किया था बट आज जो ब्रेकआउट मिला है मुझे लगता है 157 का टारगेट अभी इसमें दिखना चाहिए। ओके, रेस्ट ऑफ द फाइनेंस स्पेस में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, भारत फाइनेंस, उज्जीवन, दीवान हाउसिंग, कोई क्लोजली ट्रैक कर रहे हो आप स्टॉक आज के सेशन के लिए? LIC अच्छा लग रहा है प्रजा जी, देखें एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेने के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, कुछ 720-725 के लेवल पे सपोर्ट लिया है और ज्यादा अपमूव हुई भी नहीं है इस पूरे रिसेंट रैली में। तो अभी मार्केट मुझे लगता है कि मार्केट एक ऐसा फेज में आने वाला है कि शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो और जो स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं हुए साइक्लिकल एक मूवमेंट आनी स्टार्ट हो उसमें, और टेक्निकल बेसिस बोल रहा हूं मैं, तो उसमें ये एक ऐसा स्टॉक है मुझे लगता है कि जिसमें मूवमेंट आनी चाहिए। अभी मुझे लगता है कि 765-770 तक के लक्ष्य वाला पोजीशनल बेसिस भी स्टॉक में देख सकते हैं। ओके राइट, एक स्टॉक है मारुति सुजुकी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ऑटो स्टॉक्स में थोड़े कम रिटर्न्स मिल रहे हैं आज लेकिन मारुति सुजुकी 7500 इस लेवल के ऊपर चला गया है, अब तक का रिकॉर्ड लेवल है, 1% की तेजी अभी मारुति सुजुकी में दिखाई दे रही है, ये तेजी अभी और बढ़ सकती है, पोजिशनल बेसिस पे बताएं मारुति सुजुकी का नेक्स्ट टारगेट?
डेफिनेटली आज आपने बहुत सही स्टॉक पिकअप किया, ये भी हमारे आज कॉल के रेडार में है, इस पे भी आज हमारा एक कॉल था। हमको लगता है 7595 तक के टारगेट आने चाहिए, 7515 का स्टॉप लॉस रखें। जिस तरीके से आप देखें मार्केट में कई सारे स्टॉक, कुछ पीएसई स्टॉक्स में आज करेक्शन, अभी हमने रिसेंटली हमने आज इंट्राडे में देखना स्टार्ट किया, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमने तेजी सस्टेन लेवल पे देखी और 7550 एक ऐसा इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक होना जरूरी था। मार्केट अभी इस स्टॉक अभी कुछ टाइम दे रहा है उस पर्टिकुलर लेवल पे, बट मुझे लगता है कि हम 7600 बहुत जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखेंगे। ओके राइट, एक और स्टॉक है जिसमें आज मूवमेंट बनी हुई है, स्ट्राइड शासून, एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं क्योंकि 50 दिन की औसत एवरेज लगभग 7-8 दिन से कोशिश कर रहा था इसके ऊपर निकलने की स्ट्राइड शासून, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। आज मूव इसमें पॉजिटिव बन गया है और इसने अब ये 50 डे जो डीएमए है उसको रिकॉन कर लिया। स्ट्राइड शासून 2% की तेजी है अभी मात्र, यहाँ पर तेजी और एक्सपेक्ट करें क्या? डेफिनेटली जिस तरीके का मूवमेंट आया है, ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि अभी स्टॉक में थोड़ी और तेजी आनी बाकी है। अभी कुछ 1000 रुपए के आसपास चल रहा है और 1025-1035 तक के लेवल देख सकते हैं। ओके राइट, अब कुछ और स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या व्यू है आपका, निजी क्षेत्र स्पेसिफिकली? एक्सिस बैंक अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक डील हुई है, ICICI या फिर जो रेस्ट ऑफ द प्ले है, यस बैंक जैसे स्टॉक्स पे व्यू क्या है अभी? अभी आप शायद कुछ टाइम पहले येस बैंक का जिक्र कर रहे थे, ब्रेकआउट भी काफी अच्छा आया है और उसमें तेजी भी, एक्सिस बैंक में भी तेजी आई है। मुझे लगता है आईसीआईसी बैंक में एक कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट आज आना स्टार्ट हुआ है, ये भी गैप के साथ ओपन हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी नजर बनाई जा सकती है और 303-305 तक के लेवल देख सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई अगर ऑप्शन के जरिए कोई ट्रेड करना हो सर तो कोई ऑप्शन है जो रेडार पर है अभी? डेफिनेटली ITC का एक ऑप्शन देखा जा सकता है, मुझे लग रहा है जिस तरीके का मूवमेंट अभी मार्केट में आ रहा है ITC में, मुझे लगता है कि काफी अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। और ITC में अगर हम देखें तो 340 रुपए का एक कॉल आप डेफिनेटली देख सकते हैं, अभी कुछ शायद 5.90 रुपए के आसपास शायद 340 रुपए का कॉल चल रहा है, इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें 2.5 रुपए के आसपास, तो टारगेट आपको 9.5-10 रुपए तक दिख सकता है। बहुत स्टैगर्ड मूव है मार्केट पे, काउंटर स्पेसिफिक इतनी स्ट्रॉन्ग हलचल नहीं मिल रही है, इसलिए आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है कि स्टॉक कौन से चलेंगे। कमिंस और देख लीजिए, 1.5% के आसपास की तेजी स्टॉक पे देखने को मिल रही है, निचले स्तरों से खरीदारी है, काफी एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है स्टॉक। आज जो मूव बन रहा है पिछले 1 घंटे के दौरान जो मूव बना है, कुछ लेवल्स बेटर लेवल्स अचीव कर सकता है कमिंस? देखिए कमिंस का अगर आप डेली चार्ट देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट पिछले 1-2 महीने में एक 50-60 रुपए की रेंज में है, अभी भी वो रेंज रजत जी ब्रेक नहीं हुई है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा अगर किसी ने बाय करके रखा है तो 933-935 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग का लक्ष्य रखें, क्योंकि जो इसकी रेंज है वो 935 से लेकर के 912-910 के बीच में ही है। मुझे लगता है स्टॉक अभी और कुछ टाइम इस पर्टिकुलर रेंज में रहेगा, अगर इधर साइड ये रेंज ब्रेक होती है तो एक सडन 40-50 रुपए का मूव 1-2 दिन में आएगा, क्योंकि ये एक फ्लैग ब्रेकआउट पैटर्न होगा जो एक सडन और एक विशियस मूव नॉर्मली करता है। ओके राइट, सीमेंट पैक आज स्ट्रेंथ शो कर रहा है जिसमें प्रोमिनेंटली ग्रासिम, दूसरा है दालमिया भारत, बेहतर ट्रेड कौन सा है या फिर दोनों ही स्टॉक्स पे आप एक बार व्यू दे दीजिए? देखिये ग्रासिम भी काफी अच्छा लग रहा है जिस तरीके का मूवमेंट आया है, और मेरे हिसाब से स्टॉक में भी एक तेजी की पोजीशन बहुत अच्छी बनी है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। डालमिया भारत की अगर हम बात करें, कुछ 2700 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है और एक एक अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो 2700 रुपए का है उसको उसने अभी इंट्राडे में तो एटलीस्ट ब्रेक कर दिया है, पैटर्न्स ये बता रही है कि 2730-2735 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। राइट, इनफैक्ट काफी काउंटर स्पेसिफिक व्यूज हैं, अभी थोड़ी देर पहले आशीष केयाल साहब जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि पीटीसी इंडिया, पिछले शो की बात कर रहा हूँ, पीटीसी इंडिया पे वो बेट लगा रहे थे पॉजिटिव साइड पे, आज इतना स्ट्रांग मूव नहीं है आशीष जी जितना कल देखने को मिला था, कोई डिप मिल जाए तो कहां तक के एक लेवल्स देखें दोबारा से री एंटर करने के लिए, क्योंकि तेजी का सेटअप तो है नो डाउट, लेकिन रिट्रेसमेंट हुई तो कहां तक होगी और उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट? डेफिनेटली अगर पीटीसी की हम बात करें, रिट्रेसमेंट अगर होती है तो 107.50 रुपए का एक लेवल दिख रहा है, वहां पे अगर आपको मिलता है डेफिनेटली बाय करें। पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है स्टॉक में अभी 118-120 तक जाने का अभी भी इसमें मोमेंटम बाकी है। राइट, आईटी स्टॉक्स में भी व्यू दे दीजिए, क्योंकि अब बड़ा दिन होगा जब मार्केट अब क्लोज होंगी तो तब आ जाएगा TCS, और कल जब ओपन होंगी तो उसके बाद होगा इन्फोसिस,
तो सबसे ज्यादा फोकस जो होगा हो सकता है दोपहर के बाद एकदम से फोकस बन जाए आईटी स्टॉक्स पे। अभी के हिसाब से ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से आपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट किया स्पेशली टीसीएस और इंफोसिस पे? देखिए टीसीएस में अगर हम देखें तो कॉन्ट्रा थोड़ा सा रिस्की बेट है बट इसमें कॉन्ट्रा बाय किया जा सकता है जिस तरीके का मोमेंटम पिछले दो तीन दिन में बिल्डअप हुआ है क्योंकि ये स्टॉक्स जो है काफी बीटन अप स्टॉक है। एवरीबडी ऑन द स्ट्रीट नोज कि इनके नेगेटिव जो है फिगर्स आएंगे बट अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है तो मेरे ख्याल से जो शॉर्ट्स बनी है वो स्क्वीज ऑफ होंगी और एक अगर कवरिंग की लेवल आया तो शायद हम 2500 रुपए तक का लेवल भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में टीसीएस में देख सकते हैं। तो अगर आप एक ज्यादा बेट नहीं लेना चाहते तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको अवॉइड करें। टीसीएस का रिजल्ट आ जाए उसके बाद इंफोसिस विप्रो काफी स्टॉक्स हैं प्ले करने के लिए बट अगर आप एक बेट लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा स्टॉप लॉस 2410 के आसपास का लेकर के और 2485 तक के लेवल के लिए बाय कर सकते हैं। मेरे को स्टॉक्स बहुत कम मिल रहे हैं मैं पहली बता दूं और ये जो फाइनेंस स्पेस है ना बार बार फोकस यहीं पर ही जा रहा है। आप दो स्टॉक्स और देख लीजिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये तेजी का सेटअप है क्या इसको और प्ले किए जा सकते हैं दोनों स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक्स को? देखिए बजाज फिनसर्व में काफी अच्छा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है जिस तरीके के चार्ट्स यहां पे सजेस्ट कर रहे हैं और पूरे फाइनेंस सेक्टर में आज थोड़ी सी हमको तेजी देखने के लिए मिल रही है। प्राइवेट स्पेस में थोड़ी हमको बैंक्स में भी तेजी देखने के लिए मिल रही है तो जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है कि 4375-4365 तक के लेवल्स टच होने चाहिए। चलिए आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। एक बार फटाफट से यहाँ पर स्टॉक्स देख लें जो आशीष जी ने रिकमेंड किए हैं उसमें प्रोमिनेंटली खरीदारी करने की सलाह है। मारुति सुजुकी में स्टॉक पे तेजी बन सकती है 7595 ये नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट मारुति सुजुकी का मान के चले और ये रिकॉर्ड लेवल जिस पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आईटीसी एक और स्टॉक है जिन पे फोकस पॉजिटिव है 345 का टारगेट है 334 का एक स्टॉप लॉस और निफ्टी पे जो टारगेट है वो है 9905 उसके बाद 9915 इस टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है। निफ्टी को थोड़ा सा डिप आ जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। बाय एंड डिप्स का कैंडिडेट है निफ्टी अभी लेकिन दीपेन मेहता साहब हमारे साथ सुबह जुड़े थे मेंबर बीएससी उनका क्या कहना है मार्केट्स के इस ऐतिहासिक मूवमेंट पे आइए वो सुन लेते हैं। आई थिंक इसका जो जो भी शेयर है दैट शुड गो टू द इंडियन इन्वेस्टर। हमने कई बुल मार्केट देखे हैं कई न्यू हाइज देखे हैं लेकिन इस टाइप का बुल मार्केट जहाँ पर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू आते हैं कमिंग यूजिंग प्रोफेशनल हेल्प ये पहली बार देखा है और जिस हिसाब से हाउस होल्ड एलोकेशन इक्विटीज की तरफ जा रहे आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट और देश के लिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो सेविंग्स है दे आर गोइंग इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स रादर देन अनप्रोडक्टिव एसेट्स लाइक गोल्ड और रियल एस्टेट और लैंड। मेरी राय में आई थिंक ऑल्दो लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है और ये आज काफी अच्छा दिन है और लेकिन मेरी राय में थोड़ा कॉशियस जरूर हो जाना चाहिए इन्वेस्टर को इस लेवल पे और बहुत बड़ी बेट या बहुत ज्यादा बहुत बहुत लार्ज अमाउंट इस लेवल पर एटलीस्ट निवेश नहीं करना चाहिए। चले तो कॉशियस हो जाने की सलाह है लेकिन ये साइकोलॉजिकल लेवल है और ये ऐतिहासिक लेवल है 32,000 का स्तर और सुबह से जानने की कोशिश कर रहे हैं बाजार के बड़े जानकारों से कि क्या करना क्या चाहिए। मार्केट पे जो इतना स्ट्रांग मूव मिल गया है तो क्या अभी भी खरीदारी का मौका है और अभी तो भी ज्यादातर जानकार खरीदारी के पक्ष में है कोई बड़ा रिवर्सल अभी तक तो नहीं मिला मार्केट पे कोई संकेत ऐसा लेकिन कॉशियस रहने की सलाह ऑलमोस्ट सभी जानकार इन लेवल्स पे दे रहे हैं। लेकिन अब कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल इन्वर्स कोरिलेशन होता है जब इक्विटी मार्केट पे तेजी आती है तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ी गिरावट होती है लेकिन इतनी बड़ी गिरावट आज सोने और चांदी पे नहीं बनी। 60 पॉइंट अभी भी एमसीएक्स पर ऊपर है गोल्ड और साथ साथ सिल्वर में 10 रुपए की मात्र स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल से हमने जानने की कोशिश की क्या मार्केट पे नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या बैठेगा गोल्ड पे, उनकी बिकवाली की सलाह है अगस्त वायदा जिसमें टारगेट समझ रहे हैं 27,750 के देखने को मिल सकते हैं 28,130 ये एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा और 28,000 के आसपास बेचेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। सिल्वर पे भी बिकवाली की सलाह है सितंबर वायदा बेचकर चलें 37,350 का यहाँ पर इनफैक्ट जो टारगेट होगा वो होगा 37,350 ये बाय कॉल है सिल्वर पे कॉन्ट्रा प्ले हो सकता है निश्चित से खरीदारी बन सकती है माफ कीजिएगा ये बाय कॉल है 36,800 के टारगेट पे अगर आप खरीदते हैं लेवल्स पे तो 36,550 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और 37,350 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं खरीदारी की कॉल। क्रूड पे जुलाई वायदा खरीद कर चल सकते हैं इस कॉमोडिटी में एक्शन तेज हो सकता है 2990 ये एक टारगेट रहेगा 2890 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा आपको। कॉपर अगस्त वायदा खरीदारी की राय मुझे लग रहा है कि जो खरीदारी की राय इसलिए आ रही है क्योंकि डॉलर इंडेक्स हायर लेवल्स पे थोड़ा स्लाइड हुआ है स्लिप हुआ है तो क्रूड बेनिफिट उठा सकता है और बेस मेटल्स बेनिफिट उठा सकते हैं। कॉपर पे जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो है 386.5 स्टॉप लॉस 379.5
और 380-250 के आसपास खरीदें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। जीरा अगस्त वायदा खरीदारी की राय 19,900 का टारगेट, 19,100 का स्टॉप लॉस। टर्मरिक पे खरीदारी की राय 7,550 का टारगेट, स्टॉप लॉस 70-90 का लगाना होगा, इसमें भी अगस्त वायदा में खरीदारी की जा सकती है। कैस्टर सीड एक कॉमोडिटी होगी जिसमें अगस्त वायदा आप बेचकर चल सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल के रेडार पर है ये। टारगेट रहेगा 4,630 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 4,550 के आसपास बेचें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। और एक और कॉमोडिटी है ग्वार सीड जिसमें खरीदारी की राय आई है, तो ज्यादातर खरीदारी की राय है एग्री कॉमोडिटीज पे। 3,440 के टारगेट के लिए खरीदें, 3,300 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन 32,000 के लेवल पे है सेंसेक्स, 9871 के लेवल पे है निफ्टी।